हम सपोर्ट करेंगे, हमारी पार्टी कोई नहीं, हम सपोर्ट करेंगे, चाहे हम सपोर्ट करेंगे लाल सिंह जी, क्योंकि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो है नहीं, वो सिंगल मैन है, वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे आदमी हमारे साथ जुड़े। अगर वो जुड़ेंगे तो उनकी बेस कम हो जाती है, वो कम की वजह से लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। बनी में बीजेपी का बड़ा गर्व हो गया, नलायक आदमी के हाथ में पावर गई है, जिसकी वजह से लोग दर दर हो गए हैं। आज किस मुद्दे में बात करें, जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर 5 साल पहले इनॉग्रेशन की थी, यहाँ सीआरपी वाला बैठा हुआ है, देखो यहाँ पर पुल का इनॉग्रेशन की थी, ऐसे नलायक आदमी ने 5 साल के अंदर एक पुल दे सका। पीएमओ हाउस में बैठा हुआ जितेंद्र सिंह, नाम बहुत बड़ा है, जिसकी आज जिसके आज उसकी वोट के लिए यहाँ पर कुछ लोग मुलाजम लोग जो जुड़े हुए गाँव के अंदर जाकर वोट मांग रहे हैं। मेरी चेतावनी है, अगर हमें मिल गए तो उनको हम बचने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई है इंसाफ की लड़ाई है। चौधरी लाल सिंह ने कुर्बानी दी है, जम्मू के लिए दी है, और चौधरी लाल सिंह जो है ये रैली उनकी आ रही है, चौधरी लाल सिंह ने जम्मू के लिए जो काम किया है, आप मेरी बात सुनो, हम गाँव में नरेगा के काम लगे हुए हैं, गाँव के अंदर पीएमएवाई के काम लगे हुए हैं, लेकिन रेत की ट्राली हमें नहीं मिलती है, रेत पत्थर की ट्राली हमें नहीं मिलती है। इस सरकार ने हमें निचोड़ के रखा हुआ है, कोई भी काम करने के लिए साथ नहीं दी जा रही है, इनकी अधिकारी इनके पुलिस इनकी कहां से काम कर रहे हैं। हम लोग जो काम गाँव में करते हैं, हमें मजबूर यहाँ पर चौधरी लाल सिंह की सपोर्ट करने में आए हैं, हमें पार्टी की वास्ता नहीं है, हम चौधरी लाल की सपोर्ट दिन रात मेहनत करेंगे। बनी में डॉक्टर नहीं है, जितेंद्र सिंह पीएमओ में बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं, बनी में डॉक्टर नहीं है, 3 डॉक्टर बनी में न हो तो अस्पताल नहीं चल सकता है, शर्म की बात है। ये किस मुद्दे में बोल रहे हैं, सोचते हैं किसान के हाथ में 2000 पड़ रहा है, वो अपनी जेब से दे रहे हैं क्या, वो पैसे हमसे टैक्स पे हो रहा है, अगर दाल की कीमत 60 में होगी 120 पे हम लोग ले रहे हैं, कोई पैसा हम पे लगा रहे हैं, घर से कौन दे रहा है, ये समझने वाली बात है। हम 10 आदमी बैठे हुए, सरकार हम लोग चला रहे हैं, हमने कितने पैसे मेरे पास हैं, कितने पैसे लोगों को बांटने हैं, ये हमने देखना है। नरेगा की लाइबिलिटी जम्मू कश्मीर के अंदर बनी की लाइबिलिटी 1,15,00,000 रुपए लाइबिलिटी बनी खत्म हो चुकी है, उसमें बेचारे नौजवान गरीब लोग जो है, जो खच्चर वाले हैं, ट्राली वाले हैं, बेचारे उनकी कीमत नहीं मिली है, बनी के शाह बड़े लाले हैं सीमेंट वाले, उनको पैसे नहीं मिले हैं, ये अच्छे दिन आ रहे हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पर देखिए, हमारे एसपीओ जो हैं, जिनको 18,000 पे मिलती थी, आज वो बेचारे घर में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे को ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ कहाँ बेचारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन पैसे उनके पास नहीं है, आज वो मजदूरी के लिए तरस रहे हैं। और अगर ग्रिफ में किसने लगना, ग्रिफ में लगना है, और इस गवर्नमेंट डायरेक्शन नहीं है, बल्कि एसडीएम साहब को बनी में कि सारे फार्म वहां पर लाओ, सिलेक्शन कहाँ होगी, एसडीएम ऑफिस में होगी, शर्म की बात है, ये कभी नहीं हमने देखा था कि सिलेक्शन एसडीएम ऑफिस से होगी, वो भी नहीं थी एसडीएम हमने। आज बेचारे लोगों को ट्राली के लिए मजबूर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को रोजगार मिले, कहाँ से रोजगार मिलेगा, जो रोजगार लगा हुआ है उसको ही काम नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको पता, लोगों को एजुकेशन की जो पोस्टें खाली हुई थी 2 साल पहले, दो साल में जो पोस्टें खाली हुई पोस्टें खत्म कर दी इन्होंने, ये शर्म की बात है। अगर हमें यहाँ पर टीचर की पोस्टें अगर 2 साल में खत्म कर दी हैं, क्यों खत्म कर दी हैं? आज बेचारे आशा वर्कर्स हैं हमारे, डेली वेजर जो है 24-25 साल हो गए पीएचसी में काम करते हो, बिजली में काम करती हो, लेकर उनके लिए तो पॉलिसी बना सके हैं, हम चाहते हैं ऐसी पॉलिसी चौधरी लाल सिंह बना सकता है। एक दिन भाषण सुन रहा लाल सिंह का सुन रहा था पार्लियामेंट में 2014 में, जो कहा था कि गरीब लोग जो है, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हैं, उनके उनको कोई सहारा नहीं है, उनकी पेंशन जो है उनको 2,000-4,000-5,000 पेंशन चाहिए, और आज जाकर उनको लोगों को पेंशन जाकर मिली है, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं कहा, इन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ बोला था, अनेक बोर्ड समझ बना पार्लियामेंट में बैठ के पॉलिसी लाए, कोई ऐसा नतीजा निकाले कि लोगों को गरीबों को लोगों को पैसे मिले।